I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics. Today I will deliver a lecture on double and triple integral. Mathematics, paper 1st for BA, BSc, 6th sem. Real and complex analysis, double and triple integral. Double integral. A double integral is the counterpart in two dimensions x and y of the definite integral of a function of single variable. Let a single valued and bounded function fxyz of two independent variables xy be defined in a closed region R of the xy plane. Divide this region R into n subregions of areas delta A1, delta A2, delta AN. क्या करना हमने? Let a single valued and bounded function, single valued है पहली बात, and bounded function fxy of two independent variables x comma y be defined in a closed region R of the xy plane. Divide this region R into n subregions of areas delta A1, delta A2, delta AN. Subregions में divide करो. डिवाइड दिस रीजन आर क्लोज्ड रीजन है पहली बार. लेट ए सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड फंक्शन एफ एक्स वाई ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स कोमा वाई बी डिफाइंड इन ए क्लोज्ड रीजन आर. क्लोज्ड रीजन है, ओपन नहीं है. विद एक्स वाई प्लेन क्या करना हमने? इसको डिवाइड कर देना रीजन को डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए एन एरिया में. सब रीजन्स ऑफ एरियाज डिवाइड दिस रीजन आर इंटू ए सब रीजन ऑफ एरियाज डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा एन. लेट एक्स आर वाई आर बी एनी पॉइंट इन साइड द एलिमेंट्री एरिया डेल्टा ए आर. कंसिडर दी सम एफ एक्स वन वाई वन डेल्टा ए वन प्लस एफ एक्स टू वाई टू डेल्टा ए टू प्लस वन प्लस एफ एक्स एन वाई एन डेल्टा एन is equal to summation n equal to r equal to 1 to n f x r y r delta a r. To increase the number of these subregions indefinitely by taking smaller and smaller elementary areas. Kya kehta hai? Increase the number of these subregions indefinitely by taking smaller and smaller elementary areas. तो ये कंसीडर दी सम एफ वन एक्स वन एफ एक्स वन वाई वन डेल्टा ए वन प्लस एफ एक्स टू वाई टू डेल्टा ए टू प्लस वन प्लस एफ एक्स एन वाई एन डेल्टा ए एन बराबर समेशन आर इक्वल टू वन टू एन एफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर. इंक्रीज द नंबर ऑफ दीज सब रीजन्स इनडेफिनेटली बाय टेकिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर elementary areas. The limit of the sum 1 if it exists as n tends to infinity. देखिए क्या कह रहा है. इंक्रीज करो. हमने r इक्वल टू वन टू n तक कर दिया नहीं, एफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर. इस n को आप इंक्रीज करते हैं द नंबर ऑफ दीज सब रीजन्स इनडेफिनेटली. इनडेफिनेटली मैंने n अप्रोच टू इन्फिनिटी by taking smaller and smaller elementary areas. The limit of the sum 1, ये जो 1 है आपका, इसकी limit if it exists, अगर ये exist करे as n tends to infinity and the dimensions of each subdivision tend to 0 is called the double integral of fxy over the region R and is denoted by
डबल इंटीग्रल और आर एफ एक्स वाई डी ए, तो दस डबल इंटीग्रल आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू लिमिट कैपिटल ए एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, एंड द डायमेंशंस ऑफ ईच सब डिवीजन टेंड टू जीरो. डायमेंशन है ना ईच सब डिवीजन, जो सब डिवीजन किया है वो जीरो की चली जाएगी. एक्स अप्रोच टू जीरो, वाई अप्रोच टू जीरो इफ इट एग्जिस्ट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एंड द डायमेंशंस ऑफ ईच सब डिवीजन टेंड टू जीरो इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई ओवर द रीजन आर एंड इज डिनोटेड बाय डबल इंटीग्रल आर एफ एक्स वाई डी ए. दस डबल इंटीग्रल आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी. डेल्टा ए आर एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, डेल्टा ए आर, डेल्टा ए आर अप्रोच टू जीरो, एंड द डायमेंशंस ऑफ ईच सब डिवीजन डेल्टा ए आर टेंड टू जीरो, दिस टेंड्स टू जीरो, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एंड डेल्टा ए आर टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड द डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई का डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर एंड इज डिनोटेड बाई डबल इंटीग्रल आर, डबल इंटीग्रल आर एफ एक्स वाई डी ए. दस डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, डेल्टा ए आर अप्रोच टू जीरो, समेसन आर रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एफ एक्स आर कॉमा बाई आर डेल्टा ए आर. If f x y is positive, the double integral second I can be interpreted as the mass of a thin non-uniform plate of area capital A whose mass per unit area at a point x y is f x y. If f x y is positive, अगर ये पॉजिटिव है एफ एक्स वाई फंक्शन, द डबल इंटीग्रल सेकंड कैन बी इंटरप्रेटेड एज द मास ऑफ ए थिन, मास ऑफ ए थिन नॉन यूनिफॉर्म प्लेट, मास ऑफ ए थिन, थिन है मतलब सिंगल टू डायमेंशनल है, यूनिफॉर्म मास ऑफ ए थिन नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म प्लेट ऑफ एरिया कैपिटल ए हुज मास पर यूनिट एरिया एट ए पॉइंट एक्स वाई इज, जिसका मास है ना मास, एफ एक्स वाई क्या डिनोट करता है मास पर यूनिट एरिया, हुज मास पर यूनिट एरिया एट ए पॉइंट एक्स वाई इज एफ एक्स वाई. दोबारा देखते हैं, इफ एफ एक्स वाई इज पॉजिटिव the double integral second can be interpreted as mass of a thin non-uniform plate, mass of a thin non-uniform plate of area A whose mass per unit area at a point xy is fxy. The mass of the element delta AR is fxryr dot delta AR. And the sum 1 represents the total mass of the plate. And क्या है the sum 1 है जो represents क्या करता है the total mass of the plate. And the sum 1 represents the total mass of the plate. If fxy is positive, the double integral second can be interpreted as mass of a thin non-uniform plate of area capital A whose mass per unit area at a point xy is fxy. The mass of the element delta AR is fxryr. The mass of the
एलिमेंट डेल्टा ए आर इज, मास क्या होता है एफ एक्स आर वाई आर आना था, इज एफ एक्स आर कोमा वाई आर इंटू डेल्टा ए आर एंड द सम वन रिप्रेजेंट्स द टोटल मास ऑफ द प्लेट। सम ये एफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर क्या है, मास ऑफ द एलिमेंट डेल्टा ए आर इज, मास ऑफ द एलिमेंट डेल्टा ए आर इज एफ एक्स आर वाई आर इंटू डेल्टा ए आर एंड द सम वन रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ द प्लेट। ये वन वन क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल मास ऑफ द प्लेट। ये तो डेल्टा ए आर की समेशन करते हैं, आर इक्वल टू वन टू एन एफ एक्स आर वाई आर डेल्टा ए आर रिप्रेजेंट द टोटल मास ऑफ द प्लेट, टोटल मास ऑफ द प्लेट। रिमार्क द लिमिट ऑफ द सम वन एग्जिस्ट्स व्हेन द फंक्शन, कब एग्जिस्ट करेगी लिमिट, जब ये जो फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस इन द रीजन आर। द लिमिट ऑफ द सम वन एग्जिस्ट्स व्हेन द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस इन द रीजन आर। द लिमिट ऑफ द सम वन एग्जिस्ट्स व्हेन द फंक्शन एफ एक्स वाई इज कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस इन द रीजन आर, कंटिन्यूस और पीस वाइज कंटिन्यूस इन द रीजन आर। ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डोज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन फॉर डबल इंटीग्रल्स। ए नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डोज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में फर्क है। रिमार्क क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डोज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल्स कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम द डेफिनेशन फॉर डबल इंटीग्रल्स। वन क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ वन एक्स वाई प्लस एफ टू एक्स वाई डी ए, अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ वन एक्स वाई डी ए प्लस डबल इंटीग्रल आर एफ टू एक्स वाई डी ए। सेकेंड क्या है, डबल इंटीग्रल ओवर ए एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर वन एफ एक्स वाई डी ए प्लस डबल इंटीग्रल ओवर आर टू एफ एक्स वाई डी ए। ठीक है, तो वेयर आर वन एंड आर टू आर टू सब रीजन्स इन विच रीजन आर कैन बी डिवाइडेड। द इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स, इफ आर इज ए रीजन बाउंडेड बाई द कर्व्स वाई इक्वल टू एफ वन एक्स वाई इक्वल टू एफ टू एक्स एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू वी एंड एक्स इक्वल टू वी, देन डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स वाई डी ए। इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल, देखो ऊपर वाले में तो अलग कर सकते हैं, नीचे वाले में इकट्ठा है तो अलग कर सकते हैं। डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू डबल इंटीग्रल ओवर आर वन एफ एक्स वाई डी ए प्लस डबल इंटीग्रल आर टू एफ एक्स वाई डी ए। आर वन एंड आर टू आर टू रीजन्स इन विच रीजन आर कैन बी डिवाइडेड, टू रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। तो इवेल्युएशन ऑफ डबल इंटीग्रल्स, इफ आर इज ए रीजन बाउंडेड बाई कर्व्स वाई इक्वल टू एफ वन एक्स वाई एंड वाई इक्वल टू एफ टू एक्स एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू वी, दिस इज द फिगर एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू एफ वन एक्स वाई इक्वल टू एफ टू एक्स, वेयर द देन डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू इंटीग्रल ए से वी इंटीग्रल एफ वन एक्स से एफ टू एक्स एफ एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स। ठीक है, देन क्या हुआ, डबल इंटीग्रल ओवर आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी
इंटू इंटीग्रेशन एफ वन एक्स टू एफ टू एक्स एफ एक्स वाई डी वाई, पहले डी वाई के रिस्पेक्ट में है, फिर ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में है। इफ आर इज द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व वाई इक्वल टू एफ वन एक्स वाई इक्वल टू एफ टू एक्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, देन दिस डिवाइड द रीजन आर बाई ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटू रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स ऑफ विड्थ एच एंड हाइट के ऑफ विड्थ एच एंड हाइट के। लेट एक्स आर कमा बाई आर बी पॉइंट इन साइड डी आर एथ रेक्टेंगल। लेट क्या है, एक्स आर वाई आर बी ए पॉइंट, ये पॉइंट है। लेट एक्स आर वाई आर बी ए पॉइंट इन साइड डी आर एथ रेक्टेंगल, देन डबल इंटीग्रल और आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू लिमिट कैपिटल ए अप्रोच टू जीरो, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो, के अप्रोच टू जीरो, समेशन एफ एक्स आर वाई आर एच इंटू के। डिवाइड द रीजन आर बाई ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटू रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर एलिमेंट ऑफ विड्थ एच एंड हाइट के। विड्थ तो एच एच है और हाइट के है, कैसे करेंगे हम, डिवाइड करेंगे द रीजन आर बाई ए नेटवर्क ऑफ लाइन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस इंटू रेक्टेंगुलर एलिमेंट विड्थ एच एंड हाइट के। लेट एक्स आर वाई आर बी ए पॉइंट इनसाइड द आर एथ रेक्टेंगल, आर एथ रेक्टेंगल के अंदर एक्स आर वाई आर कोई पॉइंट है, देन डबल इंटीग्रल और आर एफ एक्स वाई डी ए इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो के अप्रोच टू जीरो, समेसन एफ एक्स आर वाई आर एच कोमा के एच इंटू के। ठीक है, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो के अप्रोच टू जीरो, समेसन एफ एक्स आर वाई आर एच कोमा के। वैन दी समेसन एक्सटेंड्स ओवर ऑल दी कम्प्लीट एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स, कहता है वैन दी समेसन एक्सटेंड्स करे ओवर ऑल दी कम्प्लीट एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स, वैन दी समेसन है जो ये एक्सटेंड करता है ओवर ऑल दी कम्प्लीट एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स, इन इवेल्युएटिंग द लिमिट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर समड अप इज इमेटीरियल। इन इवेल्युएटिंग द लिमिट, लिमिट को इवेल्युएट करने में, इन इवेल्युएटिंग द लिमिट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर समड अप इज इमेटीरियल। इन इवेल्युएटिंग द लिमिट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर समड अप इज इमेटीरियल। इन इवेल्युएटिंग द लिमिट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर समड अप इज इमेटीरियल। ऑर्डर एक्स ले लो पहले या वाई ले लो, इमेटीरियल है। इफ वन केस, इन वन केस वी कैन सम अप ओवर ऑल द एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स विच लाई वन अबव अनदर इन ए वर्टिकल कॉलम, कहता है इन वन केस वी कैन सम अप, हम सम अप कर सकते हैं ऑल द एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स, जितनी भी एलिमेंट्री रेक्टेंगल्स हैं विच लाई वन अबव अनदर इन ए वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम के केस में विच लाई वन अबव अनदर इन ए वर्टिकल कॉलम, दिस गिव्स दिस सम एफ एक्स वाई एच गुणा के ओवर एनी पर्टिकुलर स्ट्रिप, पर्टिकुलर स्ट्रिप। ठीक है, नाउ वी टेक दिस सम ओवर रीजन आर, जो आर रीजन है उसके ऊपर सम करेंगे स्ट्रिप बाय स्ट्रिप। पहले तो एक स्ट्रिप का रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल सम कर लिया, फिर नाउ वी टेक दिस सम ओवर आर
strip by strip, that is from one strip to the next strip. But if x or y r is a point inside the sth rectangle hai, the rth vertical strip, vertical strip kya hai, rth hai, xr ys, if xr ys is a point, r represent kya karta hai, rectangle, the point inside the sth rectangle by s sth rectangle in the rth vertical strip, then one is of the form, one has a kis form ka gaya, summation h approach to zero, k approach to zero, summation limit h approach to zero, k approach to zero, summation r running from 1 to p, जो r है 1 to n है, r running from 1 to p ले लो, into summation s running from 1 to m f x r y k into h, ठीक है, where p is the total number of strips, p क्या है, where p is the total number of strips and m the number of rectangles in the rth strip. देखिए क्या है ये, where p क्या है, total number of strips, this p but is spell is पहला summation r equal to 1 to p, where p is the total number of strips, ठीक है, strip पहले तो strip, और उस strip में and m number of rectangles in the rth strip, m क्या है, number of rectangles in the पहले strip काटी, और हर एक strip में m क्या, number of rectangles in the rth strip, rth strip में कितने number of rectangles हैं, strip and rectangle दो concept हुए, p क्या, total number of strips, पहले तो strip काट लो, फिर हर एक strip में क्या करते हैं, the number of rectangles in rth strip, m and m the number of rectangles in the rth strip, rth strip में p क्या, total number of strips है, और rth strip में कितने rectangle हैं, m rectangles in the summation made inside the bracket is performed first, the पहले summation inside the bracket है performed first, and xr is kept constant, this is जो अंदर वाला है उसमें summation पहले करते हैं और xr को constant रखते हैं, taking the limits of the two sums successively in second we get where limit h approach to 0, k approach to 0, summation r equal to 1 to p bracket, summation s running from 1 to m f x r y s k bracket 1 h, क्या हो गया इसमें, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, समेशन r इक्वल टू वन टू p, अब अंदर वाला क्या बन गया, x r को कांस्टेंट रखा अपने, इंटीग्रेशन बन गया x r y को वेरी कर रहा है, और ये वेरिएशन f1 x r से f2 x r तक जा रही है, f1 समेशन r इक्वल टू वन टू p f ऑफ f1 xr से f2 xr f xr y dy into h, ठीक है, k से गुणा होता है ये
अंदर वाला क्या बढ़ गया, इंटीग्रेशन एक्स आर कॉन्स्टेंट है, एफ वन एक्स आर, एफ टू एक्स आर, एफ एक्स आर वाई इंटू डी वाई इंटू एच। अब फिर एफ वन एक्स आर एंड एफ टू एक्स आर द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ वाई, वाई की एक्सट्रीम वैल्यूज इन इन दी आर एच स्ट्रिप, आर एच स्ट्रिप है उसमें एफ वन एक्स आर और एफ टू एक्स आर, एफ वन एक्स आर से स्टार्ट होती है और एफ टू एक्स आर से ख़त्म होती है। वाई इन दी आर स्ट्रिप वी विल नाउ इवेल्यूएट द इंटीग्रल, पहले अंदर वाले इंटीग्रल को इवेल्यूएट करो, इंटीग्रल एफ वन एक्स आर से एफ टू एक्स आर, एफ एक्स आर वाई डी वाई, तो लेट इट्स वैल्यू बी एफ एक्स आर से, मान लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है एफ एक्स आर है से। इक्वेशन थ्री बिकम्स लिमिट एन अप्रोच टू जीरो, के अप्रोच टू जीरो, लिमिट अब इक्वेशन थ्री लेट इट्स वैल्यू भी जो वी विल इवेल्यूएट दिस अंदर वाले इंटीग्रल और इसकी वैल्यू कैपिटल एफ एक्स आर आ गई। तो इक्वेशन थ्री ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया कैपिटल एक्स आर एफ एक्स आर, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो के अप्रोच टू जीरो, समेसन आर इक्वल टू वन टू पी, समेसन अंदर वाला क्या एस इक्वल टू वन टू एम एफ एक्स आर बाई एस, एस वेरी कर रहा है अंदर वाले में, एक्स आर नहीं वेरी कर रहा है, एस इक्वल टू वन टू एम एफ एक्स आर वाई एस के इंटू एच इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू जीरो समेसन आर इक्वल टू वन टू पी कैपिटल एफ एक्स आर इंटू एच, और इसको फिर इंटीग्रल ए से बी कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ए से बी इंटीग्रल एफ वन एक्स से एफ टू एक्स एफ एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स। दस बी हैव, हमने क्या एक्सप्रेशन निकाल लिया, डबल इंटीग्रल और आर एफ एक्स वाई डी ए, सब सरफेस इंटीग्रल कहते हैं वेक्टर कैलकुलस में, यहाँ डबल इंटीग्रल कहते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, ये डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, लिमिट्स हैं इसमें, इंटीग्रल एफ वन एक्स से एफ टू एक्स एफ एक्स वाई डी वाई इंटू डी एक्स, वेयर द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वेयर द इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज परफॉर्म्ड फर्स्ट ट्रीटिंग एक्स एज ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज वी विल डू ओनली द आर्टिकल स्टेटमेंट, इफ आर इज द रीजन बाउंडेड बाई द कर्व्स, अब कर्व क्या है, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई, वहाँ क्या था वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वन वाई, एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई एफ टू वाई, y equal to c and y equal to d. If R is a region bounded by the curves x equal to f1 y, x equal to f2 y equal to c and y equal to d, then double integral or R f x y delta a is equal to integral c to d integral f1 y to f2 y f x y dx into dy. Where the integration with respect to x is performed, where क्या है the integration with respect to x is performed first, इसमें पहले हम integration x के respect में perform करेंगे first treating y as constant, ठीक। तो proof है here summing is along a horizontal strip, यहाँ vertical strip थी यहाँ horizontal strip है, first horizontal strip first, and proof is on the same lines as in case number one, ठीक है। तो x axis y axis x equal to f1 y x equal to f2 y, ये horizontal strip है, पहले horizontal strip फिर c to d ले जाएंगे, ठीक। तो ये
remark, if the region of integration is bounded by two curves as shown in the adjoining figure, then we consider it bounded by curves y equal to f1x, say y equal to f2x, x equal to a2, x equal to b. Here we consider it bounded by curves y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a and x equal to b. If the region of integration bounded by two curves, curve hung as shown in the adjoining figure, then we consider it bounded by curves y equal to f1x, y equal to f2x, x equal to a, x equal to b. Thank you students. You can watch this online lecture on Poly's YouTube channel named www.bljscollege.com. If there is any difficulty or problem, you can contact me. Thanks. We will meet in the next lecture. Thank you.